अभी तक उस व्हील चेयर पे ही है सर, अभी व्हील चेयर से हम लोग 11 नंबर से लेके आए थे सर। जो भी लोग आज गुजर चुके हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके दुख में हम सब लोग सहभागी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली फोन करके मुझे तुरंत आने के लिए बोला। मैं कोंकण में था, मुंबई एयरपोर्ट से सीधा मैं यहाँ आ गया। सब डिस्कशन होने के बाद मैं आपके साथ प्रेस में बात कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे पेशेंट आए हुए थे, उसमें नॉर्मल एक रेट रहता है कि इतने बड़े साइज का जब हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट आ जाते हैं, जो लास्ट स्टेज में भी रहते हैं, कोई उसके अर्लियर स्टेज में रहते हैं, और इसके लिए उनको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है। इस हॉस्पिटल में पहले 20 बेड्स थे, जिसको 48 बनाया गया। उसके बाद भी क्रिटिकल पेशेंट के आने की जो संख्या है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई। एक हॉस्पिटल में ऐसे होता है कि 100% तो लोगों को बचा नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर कोशिश करते हैं कि जान को बचाने के लिए 100% कोशिश डॉक्टर करते हैं, लेकिन पेशेंट के कंडीशन पे वो डिपेंड करता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उस पर भी वो डिपेंड रहता है। तो एवरेज मैंने डेथ का रेट पूछा था कि नॉर्मल इस साइज के हॉस्पिटल में और इस साइज का आईसीयू में, क्योंकि जब आईसीयू की संख्या भी बड़ी होती है तो उसमें डेथ का, क्योंकि वो क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट वहाँ पे किया जाता है, तो एवरेज 4.5 पेशेंट का डेली रहता है। लेकिन ये संख्या अगर 18 हो जाती है तो इसके बारे में तहकीकात करना गवर्नमेंट को ठीक लगता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सेक्रेटरी हेल्थ से फोन पे बात की और एक हाई पावर कमेटी अपॉइंट की है, जो जल्दी से जल्दी इस बात की इसके बारे में पता कर लेगी कि कहीं पे निग्लिजेंस हो गया है क्या, कुछ गलत हो गया था क्या। ऐसे अगर कोई भी इसमें पाया गया 18 में से, तो उनको कॉम्पेंसेशन देने की व्यवस्था की जाएगी, और जिनके हाथ से निग्लिजेंस हुआ है उन पे भी कार्रवाई होगी। अगर ये नेचुरल डेथ है तो उनके दुख में हम लोग सहयोगी है, सहभागी है। और दूसरी मैंने ऐसी सूचना दी है कि मुंबई में इतना लोड आ जाता है, मुंबई ठाणे और मेट्रोपोलिस जो भी एरिया है, मेट्रोपोलिटन एरिया है, उसमें बहुत सारे पेशेंट बाहर से भी आ जाते हैं, और उनका ट्रैवलिंग का टाइम इतना रहता है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते उनमें से कोई डेड भी हो जाते हैं। जैसे 2 पेशेंट आ गए यहाँ पे जो देवर ऑलरेडी डेड, तो उनका पीएम करने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। इसमें एक पेशेंट ऐसा था कि जिसका अल्सर फूट गया था और उसके पूरे शरीर में वो पॉइजनिंग हो गया था, तो उसका मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन डॉक्टर ने कोशिश की, 3 घंटे तक वो लड़ते रहे उस पेशेंट के लिए, उसके बावजूद भी उस पेशेंट की मौत होगी। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो मेरी एक ये भी मैं ऐसे एक आपकी माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि एक इस स्टेज में भेजने से पहले अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो थोड़ा अर्लियर स्टेज में अगर यहाँ भेज दें, या किसी भी ऐसे क्रिटिकल जहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करने की सुविधा है, तो उनके बचाने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी। दूसरी चीज़ यह है कि इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी 500 बेड की है और आज 566 पेशेंट ये यहाँ पे भर्ती है। तो मैंने ऐसी भी सूचनाएं दी है कि सिविल हॉस्पिटल में आज 186 पेशेंट की वहाँ पे बेड अभी खाली है, तो लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए कि वहाँ भी उन्होंने जाना चाहिए। और एक दूसरी सूचना मुझे आज ही मिली है कि जो चैरिटेबल हॉस्पिटल में चैरिटेबल ये रहते हैं बेड्स रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो बेड की संख्या भी लोगों को बताया जाएगा कि आप यहाँ भी भर्ती हो जाइए, ताकि क्रिटिकल सब पेशेंट एक ही जगह पे नहीं आए, इसके बारे में भी सुविधा दी है सर। दूसरी मैंने इसकी भी इंक्वायरी की कि यहाँ पे कुछ लोगों की संख्या कम है क्या, तो इसके बारे में मुझे कॉर्पोरेशन से बताया गया कि जो 500 लोग कम थे कोविड के दरमियान वो काम कर रहे थे, उन सबको इस हॉस्पिटल में दिया गया है।
ताकि एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया है ताकि एक थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा रहता है क्योंकि रिटायरमेंट होती रहती है, कुछ लोग बीमार होते हैं, तो एक 30-40 का फर्क रहता है लोगों का, तो वो भी भर्ती की प्रक्रिया होती है और भर्ती की प्रक्रिया के हिसाब से ही वो भर्ती करनी पड़ती है, वो भी प्रक्रिया जारी है। तो हम लोगों को स्पेशली मुख्यमंत्री महोदय ने अपने संवेदना लोगों की बताई है कि जिस लोगों की डेथ हो गई उनके रिलेटिव में उसमें वो सहभागी है, हम सब लोग उसमें सहभागी है, इसकी इंक्वायरी की जाएगी कि जो नॉर्मल रेट रहता है उससे ज़्यादा ये रेट कैसे बढ़ गया, इसके बारे में इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, जो कमिश्नर हेल्थ सर्विसेज है वो उसके चेयरमैन है और उसमें सब हाई लेवल के ऑफिसर है, जैसे कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है, कलेक्टर है, फिर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के है, आईसीयू के एक्सपर्ट्स हैं, वो सब लोग मिलके इस बात का पता करेंगे कि इसमें निग्लिजेंस हुआ क्या या तो ये नेचुरल डेथ है, तो भी और कुछ सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी रिपोर्ट देंगे। कॉम्पेंसेशन के बारे में ये है कि अगर नेचुरल डेथ नहीं होगी तो उसके बारे में कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, क्योंकि नेचुरल डेथ में कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता, उसमें एक डिफरेंट ये हो जाता है, कल हर कोई आदमी कॉम्पेंसेशन के लिए आ सकता है, तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेते समय ऐसे ही डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसी केस में कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, या तो नेचुरल डेथ नहीं हुई, एक्सीडेंटल डेथ हुई, या तो कोई दुर्घटना हुई और कोई घर गिर गया, उसमें कोई आदमी मर गया, तो इस केस में तुरंत ही मुख्यमंत्री महोदय डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इसमें अभी पता चलना है कि ये सब नेचुरल डेथ है, इसके लिए कमेटी बिठाई है, कमेटी का जैसे ही रिपोर्ट आता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया इसकी भर्ती नहीं की गई है, आयुक्त के पास अब तक फाइल लेकर उसको कोई अब तक निकाल नहीं निकाला गया, आप शासन में हो, शासन के पास उन्होंने भेजा लेकिन अब तो उसको जो है भर्ती नहीं की गई। एक प्रक्रिया रहती है कि डॉक्टर्स की इंटरव्यू, अगर आज यहाँ पे हमारे कमिश्नर साहब भी है, उन्होंने वॉक इन इंटरव्यू भी लिए है और ये प्रक्रिया हमारे इंटरव्यू भी पिछले दो हफ्तों से चल रहे थे, जैसे नर्सेस का मैंने एग्जांपल लिया कि 40 नर्सेस हमने लिए थे पिछले दो महीने पहले और अभी 20 वैकेंसी है, 20 का भी हमने इंटरव्यू का प्रोसेस किया है, इंटरव्यू हो जाएगी, बट 40 ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले दो हफ्तों से, हमारे बाकी पोस्ट के भी इंटरव्यू चल रहे हैं, सो रिक्रूटमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिक्रूटमेंट हम एडिशनल कैपेसिटी की भी कर रहे हैं, मतलब अगर हमें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी भी ऑक्यूपेंसी 100% से ज्यादा रहती है, कई बार हमने 500 का 600 किया तो कैपेसिटी होगी कि 600 भी भर जाएंगे, 700 किया तो 700 भी भर जाएंगे, इस तरह से पेशेंट का इंफ्लक्स होता है। सो रिक्रूटमेंट करते समय हम सिर्फ 100 की नहीं 110% 120% करने का हमारा प्रयास रहता है, सो दैट जो एडिशनल कैपेसिटी उसको भी हम अच्छी तरह से सेवा दे सकें। तो प्रोसेस इज ऑनलाइन, 2016 से जो काम करने का, एक मिनट जिले देना क्या मैडम, मला मी थोडस मी आपल्याला एक विनंती करतो की माझी मुलाखत संपल्यानंतर आपल्याला कोणालाही जर आयुक्तांना काही माहिती विचारायची असेल आपण विचारू शकता सर, लेकिन दो दिन पहले की शिकायत थी सर नेग्लिजेंस की, 3 पेशंट की मौत हुई थी तो उस पर सर काफी देर हो गई है सर, ये 5 पेशेंट की सर, और विधायक जितेंद्र और पहले भी आकर गए थे सर, लेट हो गया था ये। देखिए मैं ऐसे नहीं बोलता कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैंने आपको एवरेज बताया था कि 4.5 पेशेंट की डेथ नॉर्मल होती है इस साइज के हॉस्पिटल में, जो एक एवरेज पूरे भारतवर्ष का है, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट यहाँ पे आता है, अगर जो भी ये आरोप करते हैं उनको एक लोगों में जाके ये भी बोलना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा देर वो नहीं रहे, जब उनकी तबीयत अच्छी नहीं हो रही है तो वो तुरंत यहाँ पे दाखिल हो, अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आप डेथ के दरवाजे पे आ जाते हैं और पेशेंट को आके यहाँ छोड़ते हैं, कुछ पेशेंट तो ऐसे भी है जिनकी डेथ होने के बाद यहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं, दो पेशेंट ऐसे पहुंचे
कि जो दे वर ऑलरेडी डेड बिफोर दे रीच्ड हियर सर, लेकिन आरोप यह है कि उस पेशेंट की डेथ हो गई थी और उसका 6 घंटा इलाज किया गया, तो उसके लिए कमिटी बिठाई है। अगर उनका बोलना है कि और 2-3 लोगों के बारे में हुआ था, तो उसको भी मैं इंक्लूड कर दूंगा इस जांच में।